नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापूरश आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्रोशिए और थ्रेडिंग के बाद फिर से आज एम्ब्रॉयडरी का नंबर आ गया। आज हम एम्ब्रॉयडरी की एक नई स्टिच सीखेंगे, उसका नाम है लेजी डेजी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आज हम लोग लेजी डेजी स्टिच सीखेंगे, उसके लिए मैंने इस कपड़े पे बहुत लाइट पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है और उसमें से जितना पार्ट इसकी डंडियों का है उसको मैंने स्टैम स्टिच से बना लिया है। स्टैम स्टिच मैंने आपको अपने लास्ट एपिसोड में सिखाई थी, मतलब एम्ब्रॉयडरी के एपिसोड नंबर 4 में। उसका लिंक ऊपर आपकी स्क्रीन पर है, आप वहां से उसको सीख सकते हैं। अब ये फ्लावर और लीव्स हम लेजी डेजी से बनाएंगे। निडिल में मैंने पर्पल कलर के थ्रेड के 2 प्लाई लिए हैं, उससे ये फ्लावर बनाएंगे। दोस्तों, ये आपको बहुत लाइट चमक रहा होगा, ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बनाई हैं फ्लावर के लिए। उस लाइन के बिल्कुल नीचे की तरफ से हम निडिल को ऊपर निकालेंगे, उसके बाद धागे को ऊपर की तरफ से गोल घुमा के लाएंगे और निडिल को बिल्कुल इसी थ्रेड के पास से फिर से अंदर डालेंगे और जितनी लंबी हमको ये लीफ बनानी है उतनी दूर ऊपर की तरफ से बाहर निकाल लेंगे और धीरे धीरे इस थ्रेड को खींचते जाएंगे जब तक कि ये बचा हुआ थ्रेड एक लीफ का शेप ना ले ले। इसको हम बहुत ढीला भी नहीं छोड़ेंगे और बहुत टाइट भी नहीं करेंगे। अभी ये थ्रेड इस लीफ के अंदर की तरफ है, अब इसको लीफ के बाहर की तरफ बिल्कुल पास में ही फिर से नीचे ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन पे निकालेंगे और फिर बिल्कुल सेम प्रोसेस से एक और लीफ बनाएंगे। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ये लीफ सेम साइज की बने। इसी तरह एक एक करके सारी लीफ बना लेंगे। ये एम्ब्रॉयडरी की बहुत सिंपल स्टिच है। दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लीफ्स बनाते जाते हैं ये थ्रेड छोटा रह जाता है और गोल घुमा के लाना उसको पॉसिबल नहीं रहता, तो इसको हम बाद में भी निडिल के पीछे कर सकते हैं। देखिए, फ्लावर बन गया। अब बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम इसकी ग्रीन लीव्स बनाएंगे। अब इसके पीछे की साइड इस थ्रेड में फंदा लगा के इसको कट कर देंगे और ग्रीन कलर से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये सारी लीव्स मैं डबल थ्रेड से ही बना रही हूँ। थ्रेड की थिकनेस या थ्रेड के कितने प्लाई से हमको करना है ये बेसिकली आप किस कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं और क्या आपका पैटर्न है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। अगर आप बहुत मोटे कपड़े पे जैसे केसमेंट पे एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो बहुत कम प्लाई के थ्रेड, मतलब सिंगल या डबल से करेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। उसको आप मोटे थ्रेड से करेंगे तभी ज्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप पतले कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो वो सिंगल या डबल थ्रेड से करें।
दोस्तों किसी भी काम की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके काम में नीटनेस आती जाएगी। इसीलिए मैं आपको जो भी सिखाती हूँ इन सब की आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। देखिए दोस्तों लेजी डेजी का एक बहुत सुंदर पैटर्न तैयार है। तो दोस्तों ये थी एम्ब्रॉयडरी की बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत अच्छी स्टिच, क्योंकि हम इसे बहुत अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। इसको हम सिंगल थ्रेड से बना सकते हैं या पूरे 6-ply थ्रेड से बना सकते हैं, मोटे पतले किसी भी थ्रेड से बना सकते हैं, यहाँ तक की वूल से भी बना सकते हैं। अगर आप अपनी कोई इसकी वील या स्वेटर नीट करें तो आप उसके ऊपर भी इस स्टिच से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। और दोस्तों आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ में ये जो बेल का बटन है इस पे भी क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और वीडियो पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक और शेयर भी करें, साथ ही ये फेसबुक पेज भी लाइक और फॉलो करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।